हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बहुत सारे व्यूवर्स का कमेंट आया था कि उनको यूट्यूब चैनल पर बहुत ही कम व्यूज़ मिलते हैं, जिससे उनके सब्सक्राइबर भी बहुत कम बढ़ते हैं और उनके चैनल को वॉच टाइम भी अच्छा नहीं मिलता। तो दोस्तों, इसका सीधा सीधा कनेक्शन है SEO से, लेकिन बहुत सारे लोग SEO नहीं जानते कि SEO कैसे किया जाता है। तो मैं आपको आज SEO करना बताऊँगा। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, तो आप अपने वीडियो का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे कर सकते हैं और अपने वीडियो को गूगल में आसानी से कैसे रैंक कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़े से स्टेप हैं कि अगर आप SEO नहीं जानते तो भी आप अपनी वीडियो का SEO कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब आप कोई एक वीडियो बनाते हैं तो उसका एक टाइटल डिसाइड करते हैं, और टाइटल डिसाइड करने के बाद जब आपका वीडियो कंप्लीट हो जाता है तो आप जो कैमरे में अपने फ़ोन में जो वीडियो होता है उसे उठाकर सीधा आप पब्लिश पे डाल देते हैं। दोस्तों सबसे पहले गलती तो आप ये करते हैं कि जो वीडियो है उसको सीधा पब्लिश पे डाल देते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो टाइटल है वीडियो को बनाने के बाद अपने वीडियो को रिनेम करना है, और रिनेम करने के बाद ज़्यादातर वीडियो जो बनते हैं मोबाइल फ़ोन में वो VDI करके या INGO करके बनते हैं। उनका रिनेम करने के बाद आप उनको रिनेम करेंगे और अपने टाइटल के हिसाब से रिनेम करेंगे, ठीक है। आप जब अपने वीडियो को टाइटल के हिसाब से रिनेम कर देंगे, मतलब आपका वीडियो रिनेम होने के बाद में जो टाइटल है आपका मेन वो डाल देंगे, उसके बाद में आपको उसे यूट्यूब पर पब्लिश करने के लिए जाना है। अब जब आप अपने वीडियो को पब्लिश करने के लिए जाते हैं तो आपको सबसे पहले दिखता है टाइटल, उसके बाद दिखता है डिस्क्रिप्शन, तीसरे नंबर पे आपके टैग। दोस्तों ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना है, टाइटल हमेशा वो चीज़ में डालना है जिस कंटेंट पर आपका वो वीडियो बना हुआ है, नंबर एक। नंबर दो, आपका जो टाइटल है उसे एक बार यूट्यूब पे सर्च कर ज़रूर देखिएगा, और उससे रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं उनमें जो टाइटल आ रहा है उस कंटेंट से रिलेटेड, वो उस कीवर्ड से रिलेटेड अपना वीडियो बनाइएगा, उस कंटेंट से रिलेटेड अपना टाइटल भी रखिएगा। तीसरी बात, जब आप बात आती है डिस्क्रिप्शन में लिखने की, तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिखने के लिए आपको जो वीडियोस आप बना रहे हैं, जो कंटेंट आप बना रहे हैं उसको हाउ टू या व्हाट इज करके अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखेंगे। जैसे सपोज कीजिए कि आपने एक टेक चैनल है आपका और आप एक फ़ोन के रिव्यू करने वाले हैं, तो हाउ टू नो अबाउट दिस फ़ोन, जो भी जिस फ़ोन के बारे में आप रिव्यू कर रहे हैं या बताना चाह रहे हैं, व्हाट इज़ दिस फ़ोन, तो इस तरह से, या वेयर आई कैन बाय दिस फ़ोन, या सपोज कीजिए आपका कुकरी चैनल है तो हाउ टू मेक, व्हाट इज एसेंशियल जो थिंग्स हैं, या फिर वो चीज़ें जो आपके कंटेंट से क्वेश्चन निकालती हैं, उस क्वेश्चंस निकालने से रिलेटेड जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिखना है। उससे फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि जो भी यूट्यूब पे सर्च आता है तो वो हाउ टू करके या व्हाट इज़ करके आता है, और कभी कभी सीधा भी डाल दिया जाता है। तो आपके दिमाग में आपके कंटेंट से रिलेटेड जो भी आपको लगता है कि आपके कंटेंट को कोई कैसे सर्च करेगा, तो वो आपको अपना सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालना है। अब SEO करना तो आता नहीं है, तो हम ये कैसे पता करें कि SEO के लिए, तो फ्रेंड्स आपको ये तो मालूम नहीं है कि किस तरह के कीवर्ड्स या SEO करने के लिए आपके पास वर्ड्स कहाँ से आएंगे। तो मैं इसका SEO करने का, जैसे मैं अपने वीडियोज़ में SEO करता हूँ और बहुत आसान तरीके से मेरे वीडियोज़ में SEO हो जाता है और मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो उसी तरह से आप भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जाना है YouTube पर, और अब मैं ये सारी चीज़ें आपको एक एक करके दिखाऊंगा कि आपको कैसे करना है, उसके लिए कंप्यूटर पे चलते हैं। फ्रेंड्स जब आप YouTube पर आते हैं तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है, और यहाँ पर आप अपना कंटेंट से रिलेटेड चीज़ें सर्च करते हैं। जैसे सपोज कीजिए मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ एक मोबाइल का, मैं रिव्यू करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर मोबाइल का नाम सर्च करता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे एक रेडमी का मोबाइल का एक रिव्यू करना है, तो मैंने यहाँ पे जैसे ही रेडमी टाइप किया, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं
सजेशन में बहुत सारे नाम आ गए हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी नामों का आप अपना ज़रूर लिखिएगा। दूसरा, जैसे सपोज कीजिए टॉप, मैं यहाँ पर किसी बुक के बारे में बता रहा हूँ तो मैं यहाँ लिखता हूँ टॉप 5। जैसे ही मैंने लिखा टॉप 5 बुक्स, देखिए जैसे मैं टॉप 5 बुक्स के बारे में अपना वीडियो बना रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे जैसे लिखा टॉप 5 BOO, तो इसने मुझे बुक्स के बारे में जो ट्रेंडिंग में टॉपिक्स हैं, जो जो चल रहे हैं और जो जिन्हें ज़्यादातर लोग YouTube पर सर्च करते हैं, तो इसने मुझे वो सारी लिस्ट निकाल कर दे दी जिसे आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और टैग में लगाना है। इसमें से आप कोई भी वर्ड आप निकाल, कोई भी सेंटेंस आप निकाल कर उसको टैग में भी डाल सकते हैं। और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर लिखें, जैसे रियल पिक्चर, मुझे किसी रियल पिक्चर के बारे में, रियल पिक्चर ऑफ इंडिया, जैसे मैंने INDIA का, तो देखिए जैसे रियल पिक्चर ऑफ इंडिया जो भी YouTube पर आजकल ज़्यादा सर्च किया जा रहा है तो वहाँ से रिलेटेड ये वर्ड्स आपके सामने आ जाते हैं। आपने देखा कि किस तरह से तो आप Google पर और YouTube पर सर्च करके आप अपनी वीडियोस का SEO बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब ये SEO करने के बाद आप अपने वीडियो को पब्लिश कर दीजिएगा, लेकिन एक सावधानी जरूर रखिएगा कि कभी भी अपने वीडियो को कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, कंप्लीट टैग और कंप्लीट टाइटल के बिना पब्लिश मत कीजिएगा। जब तक आपके वीडियो में टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग अधूरे रहते हैं तब तक आप अपने वीडियो को प्राइवेट करके रखिएगा, और प्राइवेट करके उसको कंप्लीट करके अपना पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स को फिल करके ही और टैग फिल करके ही उसको पब्लिश कीजिएगा। YouTube पे और आने वाले वीडियोस में मैं आपको टिप्स दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और नीचे सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक कर दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नए वीडियोस में, तब तक के लिए दोस्तों हैव अ नाइस डे, बाय बाय, सी यू।